कैबिनेट मीटिंग हुई, सारे मंत्री आए और मंत्रियों के साथ मंत्रणा हुई, कंस को मंत्रणा करने दीजिए और चलिए गोकुल में जहां पर बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है। वहां गोकुल में दूसरे दिन सुबह नंद बाबा जगे हैं और नंद बाबा यशोदा ने जगकर देखा तो एक बहुत सुंदर बालक का जन्म हुआ है। सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवत के दसम स्कंद के पांचवें अध्याय में लिखते हैं, नंद तु आत्मज उत्पन्ने जाता लाद महामना, नंद तु आत्मज उत्पन्ने। सुखदेव जी कहते हैं नंद तु आत्मज, नंद के आत्मज का जन्म हुआ। इस एक शब्द में सुखदेव जी ने बहुत बड़े तत्व की बात कर दी। हमारे मन में ऐसी शंका होती है कि नंद बाबा के घर पर जो बालक था वो नंद का नहीं, वो वसुदेव जी का पुत्र था, लेकिन ऐसा नहीं है। नंद तु आत्मज, ये नंद का आत्मज, ये नंद का ही पुत्र है। क्योंकि जिस समय यशोदा के गर्भ से जन्म हुआ तब दो संतान का जन्म हुआ, एक थी कन्या और एक था पुत्र। योग माया के कारण वसुदेव जी को कन्या का दर्शन हुआ, पुत्र का दर्शन नहीं हुआ, इसलिए अपने पुत्र को रख दिए, कन्या को लेकर चले गए और यशोदा के पास दो पुत्र हो गए। और जैसे ही दो पुत्र वहां पर थे वो दोनों पुत्र ज्वाइंट एक हो गए। अब ये दो पुत्र कौन है? देवकी के हृदय गर्भ से जिस बालक का जन्म हुआ वो थे भगवान विष्णु, जिनकी प्रतिज्ञा है संभवामी युगे युगे, मैं प्रत्येक युग में इस पृथ्वी के ऊपर प्रकट होता हूं, दुष्ट का विनाश करता हूं, धर्म की स्थापना करता हूं, साधु संतों को आनंद देता हूं। तो भक्तों उस समय युगा अवतार का समय हो चुका था। प्रत्येक युग में जो भगवान आते हैं उस युगा अवतार का समय था, भगवान विष्णु को आना था। तो भगवान विष्णु कंस के कारागार में देवकी के गर्भ से जन्म लिए और साथ ही साथ ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार, ब्रह्मा जी का एक दिन कितना है यदि बुद्धि में फिट हो तो अच्छा है, कलयुग त्रेता, कलयुग द्वापर युग त्रेता युग और सतयुग, ये चारों युग चतुर्युग 71 बार बीतते हैं तब एक मनवंतर की अवधि समाप्त होती है। ऐसे 14 मनवंतर बीतते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन समाप्त होता है। और ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार साक्षात भगवान कृष्ण इस पृथ्वी पर आते हैं। और उस एक दिन में भी कब आते हैं? बोले 14 मनवंतर के 7वें मनवंतर के 28वें चतुर्युग के द्वापर युग में साक्षात भगवान इस पृथ्वी पर आते हैं। तो 71 चतुर्युग में 71 चतुर्युग इंटू 14, आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा, 71 इंटू 14 जितना भी फिगर है उतने चतुर्युग में एक बार कृष्ण इस पृथ्वी पर आते हैं। तो उस भगवान साक्षात बजेंद्र नंदन श्याम सुंदर गोलोक विहारी सर्वोपरि सर्व अवतारी कृष्ण का आने का समय हुआ और युगा अवतार भगवान विष्णु का भी आने का समय हो चुका। दोनों एक साथ इस धराधाम पर आए। भगवान विष्णु लैंडिंग हुए मथुरा में और कृष्ण लैंडिंग हुए गोकुल में। और उस विष्णु तत्व को वसुदेव जी मथुरा से गोकुल लेकर आए और जब दोनों भगवान आपस में हुए तब दोनों मिल गए। अब आप कहोगे प्रमाण, ग्रंथ के अनुसार यदि प्रमाण चाहते हो तो भागवत और आनंद वृंदा जीव गोस्वामी के द्वारा लिखा गया है गोपाल चंपू में और कवि कर्णपुर के द्वारा लिखा गया आनंद वृंदावन चंपू में। और भागवत की लीला के अनुसार भी यदि आपको प्रमाण चाहिए तो आगे चलकर कंस ने अक्रूर जी को भेजा था कृष्ण बलराम को गोकुल से मथुरा लाने के लिए। तो जब अक्रूर जी गोकुल में आए, कृष्ण बलराम को अपने रथ पर बिठाकर मथुरा लेकर जा रहे थे, उस समय संध्या का समय हुआ, गायत्री करना था। अक्रूर जी यमुना में स्नान करने गए, कृष्ण ने कहा हम भी स्नान करेंगे। अक्रूर जी और कृष्ण दोनों यमुना में स्नान करने गए, यमुना में स्नान कर रहे हैं। अक्रूर जी ने कहा कि मुझे गायत्री करना है, मैं बाहर जाकर गायत्री करता हूँ, आप स्नान करो। अक्रूर जी यमुना से जैसे ही बाहर निकले तो कृष्ण को रथ के ऊपर बैठा हुआ देखा।
अक्रूर जी ने सोचा कृष्ण को तो मैंने यमुना में छोड़कर आया। अक्रूर जी फिर से यमुना के अंदर गए, देखा तो कृष्ण यमुना में स्नान कर रहे हैं, बाहर आकर देखा तो रथ पर भी बैठे हैं, अंदर देखा यमुना में भी है रथ पर भी है। अक्रूर जी ने सोचा कि माथा खराब हो गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, भूल गए। लेकिन सत्य बात यह है कि जो दो कृष्ण जन्म के समय एक हो गए थे विष्णु और कृष्ण, जब अक्रूर जी लेने के लिए आए तो जो मथुरा से विष्णु तत्व आए थे वे अक्रूर जी के साथ मथुरा चले गए और वृंदावन के कृष्ण वृंदावन में ही रह गए। और इसीलिए तो शास्त्र का यह सिद्धांत साबित हुआ ना, कौन सा सिद्धांत, वृंदावनम परित्यज्यम पादम एकम न गच्छति, वृंदावन को छोड़कर भगवान एक कदम भी बाहर नहीं जाते। और जूनागढ़ के नरसिंह मेहता ने भी कह दिया ना, हे मारो वन रावण छे रोडो वैकुंठ नहीं रे आओ, मारो वन रावण छे रोडो वैकुंठ नहीं रे आओ, हे मारो रोडो छे वन रावण वैकुंठ नहीं रे आऊ हो नंद जी ना लाल रे वैकुंठ नहीं रे आऊ, मारो वन रावण छे रोडो वैकुंठ नहीं रे आऊ। इन भागवत गीता के सार को नरसिंह मेहता ने एक छोटे से भजन में सरलता के रूप में रख दिया, मारू वन रावण छे रोडो वैकुंठ नहीं आऊ। उस वृंदावन के कृष्ण की यह प्रतिज्ञा है कि वृंदावन छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मथुरा भी नहीं जाऊंगा, द्वारका भी नहीं जाऊंगा, वैकुंठ भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे तो वृंदावन ही अच्छा लगता है। बेसी मेरे उमारे डग डग जो बेसी मेरे उमारे डग डग जो रे उमार डग डग जो बसने रे उमार डग डग जो ए नहीं खाऊ ने नहीं मार के नंद जी ना लाल रे वैकुंठ नहीं रे आऊ, मारो बन रावण रोडो छे वन रावण वैकुंठ नहीं रे आऊ, मारो रोडो छे वैकुंठ नहीं रे आऊ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम प्रेम से गाइए, हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरि नाम संकीर्तन की जय, हरे 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 राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। इस प्रकार सुखदेव जी कहते हैं नंद तू आत्मज उत्पन्न है। नंद बाबा ने देखा कि घर पर बहुत सुंदर बालक का जन्म हुआ है और यह अद्भुत बालक विष्णु तत्व कृष्ण तत्व दोनों एक साथ जुड़ गए थे। शास्त्र का सिद्धांत है भगवान श्री कृष्ण कृष्ण का एकमात्र स्वभाव है प्रेम करना। प्रेम करने के अलावा कृष्ण और कुछ जानते ही नहीं है। आज तक प्रेम के अलावा कृष्ण कुछ नहीं किए, कभी किसी को नहीं मारे, एक थप्पड़ भी नहीं मारे किसी को, ऐसा शास्त्र में सिद्धांत है। तो मन में प्रश्न होता है तो अगासुर बकासुर त्रिणावर्त को किसने मारा? कृष्ण ने नहीं मारा, वो जो मथुरा से आए थे ना विष्णु, उन्होंने मारा। कृष्ण तो मात्र प्रेम जानते हैं, इसमें स्वभाव है प्रेम करना, प्रेम के भूखे हैं। और शास्त्र में भी लिखा है जो कृष्ण नंद बाबा के घर पर थे ना वो हम सब के पास है, सब जगह पर है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वो सभी जगह पर है। लेकिन उस हरि को यदि प्रकट करना है, शिव जी कहते हैं प्रेम से प्रकट होई में जाना। उस हरि को यदि प्रकट करना है तो प्रेम करना होगा। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। बड़े बड़े संत महात्मा गण अपनी आंखों में प्रेम का अंजन लगाकर रात दिन भगवान को देखते रहते हैं। जो लोग भगवान से प्रेम नहीं करते हैं और भगवान को देख नहीं पाते हैं वो प्रश्न उठाते हैं कि भगवान है? यदि भगवान होते तो खाते पीते सोते। तब आचार्यों ने कहा ना, कौन कहते हैं, ये सब गाते रहेंगे तो समय नहीं रहेगा, मैंने केवल दे दिया कि आप घर जाकर गा सकते हैं। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं है? शबरी की तरह प्रेम से खिलाकर तो देखिए। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं? यशोदा की तरह एक बार लोरी सुनाकर सुलाकर तो देखिए। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं? गोपियों की तरह नचाकर तो देखिए। भगवान नाचते हैं, खाते हैं, सोते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन यह कराने के लिए उनसे प्रेम करना होगा, प्रेम करना होगा। कुछ लोग सोचते हैं कि बस भगवान ऐसे ही मिल जाए हैं? कई बार कुछ संसार के कुछ अबूत जीव कहते हैं कि यदि भगवान है तो दिखाओ। ऐसे कैसे भगवान को देख पाएंगे? हम कहते हैं देखो भगवान को देखने के लिए प्रेम भक्ति करना होगा। बोले भगवान हमको दिखाई नहीं दे रहे हैं इसलिए हम भगवान को नहीं मानते हैं। तुमको तो हवा भी नहीं दिखाई दे रही है, तो क्या हवा नहीं है? इस हवा में बहुत सारे कीटाणु हैं, जीव जंतु हैं, जो माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देखा जा सकता है, वो नहीं दिखाई दे रहे, तो क्या नहीं है? इस संसार में बहुत कुछ वस्तु ऐसी है जो होते हुए भी नहीं दिखाई देती है। तो जब संसार की भौतिक वस्तु होते हुए नहीं दिखाई देती है तो अचिंत्य आध्यात्मिक तत्व भगवान कैसे दिखाई देंगे? उस भगवान को देखने के लिए कुछ करना होगा, कुछ परिश्रम, कुछ मेहनत करनी होगी। भागवत के अष्टम स्कंद के छठे अध्याय में ब्रह्मा जी कहते हैं
यथाग्नि मेधस्य वृत्तम च गोषु भूयन्नम्बु उद्यमने च वृत्तिम यथा मनुष्य अभियंति हित्वा गुणेषु भक्त्या कवयो वदन्ति। जैसे लकड़े में अग्नि है, अग्नि को बाहर से नहीं लाना पड़ता, लकड़े में अग्नि है लेकिन उस अग्नि को प्रकट करने के लिए कुछ करना पड़ता है। जैसे गाय में दूध है लेकिन उस दूध को निकालने के लिए कुछ मेहनत करना होगा। जैसे भूमि में अन्न है लेकिन उस अन्न को निकालने के लिए कुछ मेहनत करनी होगी। लकड़े में अग्नि है, गाय में दूध है, भूमि में अन्न है लेकिन उसे निकालने के लिए कुछ मेहनत करना होगा। वैसे ही संसार में भगवान है, उसको देखने के लिए भी मेहनत करना होगा। और वो मेहनत क्या है? सबसे पहली मेहनत है सत्संग में जाकर बैठना, जो आप लोगों ने आज की है। नहीं तो कुछ लोग कहते हैं कि ये कथा तो हमारे घर से बहुत दूर है, हम कैसे आएंगे। थिएटर कितना भी दूर हो तो गाड़ी लेकर चले जाते हैं, होटल कितनी भी दूर है तो दूर नहीं लगती है, लेकिन सत्संग दूर होता है, बहुत दूर है। बस केवल बहाना, एक्सक्यूज ढूंढ रहे हैं, बहाना ढूंढ रहे हैं। क्या ये दूर है? हमारे सौराष्ट्र के राजा रहुगण यही सत्संग प्राप्त करने के लिए सौराष्ट्र से गंगा सागर गए। महाराज परीक्षित दिल्ली से हस्तिनापुर को छोड़कर हरिद्वार गए इसी सत्संग के लिए, अपना सब कुछ छोड़कर। और वही सत्संग प्रभुपाद जी की कृपा से हमारे अपने सूरत में बहुत दूर है, वो आघूस है। आघो तो तू छो भगवान थे। और हम तो कहते हैं जितना सत्संग दूर है उतना अच्छा है। सिद्धांत के अनुसार शास्त्र में भारत के संतों ने कहा, सन मिलन को चालिए तजी मान अभिमान, एक एक पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। संत मिलन को चालिए तजी मान अभिमान, ये जो मन का अभिमान है ना उसको त्याग कर चश्मा और टोपी को उतार कर एक दास बनकर सत्संग में जब जाते हैं ना तो क्या फल मिलता है। कहते हैं अद्भुत अचिंत्य फल मिलता है। एक बार युधिष्ठिर महाराज ने बहुत सुंदर यज्ञ किया और द्वापर युग में जब किसी राजा का यज्ञ पूर्ण होता था तो उस राज्य में जो मंदिर होता था उनकी घंटी अपने आप बजने लगती थी। यह सत्य का प्रमाण हुआ करता था। तो महाराज युधिष्ठिर ने यज्ञ किया लेकिन वह घंटी नहीं बजी, परेशान हो गए, कृष्ण के पास गए, प्रभु यज्ञ तो किया, अनेकों साधु संत आए, भोजन कराया, सब कुछ हुआ लेकिन घंटी नहीं बज रही है। भगवान ने कहा, देखो युधिष्ठिर कोई भूखा रह गया होगा। युधिष्ठिर ढूंढने निकले, यमुना के तट पर एक साधु भूखा बैठा था। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, प्रभु आप आइए, आपके कारण मेरा यज्ञ अधूरा है, आप आइए भोजन कीजिए। साधु ने कहा, मैं नहीं आऊंगा। कुछ लोग बहुत भाव खाऊ होते हैं, मैं नहीं आऊंगा। युधिष्ठिर ने कहा, महाराज आइए, मेरा यज्ञ अधूरा है, मैंने कहा ना नहीं आऊंगा। बोले, महाराज तो बताइए आप आने के लिए आने का क्या लोगे। बोले, यदि 100 यज्ञ का फल मुझे देते हो तब मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, जीवन में पहला यज्ञ करने जा रहा हूं और वो भी आपकी कृपा से अधूरा है, तो 100 यज्ञ का फल मैं कहां से लाऊं, आपको कहां से दूं। बोले, तो मैं नहीं आऊंगा। निराश होकर युधिष्ठिर वापस लौट गए, बड़े चिंतित थे। देवी द्रौपदी ने कहा, पतिदेव कोई चिंता है? बोले, हाँ देखो ना वो साधु नहीं आ रहा है। बोले, प्रभु मैं जाऊं आपकी आज्ञा हो तो। बोले, मेरे से नहीं माना तुमसे कैसे मानेगा। कभी कभी जो काम पुरुष नहीं कर पाते हैं स्त्री कर देती है। बोले, मुझे एक चांस दीजिए। देवी द्रौपदी गई उस साधु के पास, कहा, महाराज आप हमारे घर पर आइए, वहां पर बहुत सुंदर यज्ञ है। साधु ने कहा, मैंने तेरे पति को कहा था 100 यज्ञ का फल दोगे तब मैं आऊंगा। द्रौपदी ने कहा, मंजूर है, मैं आपको 100 यज्ञ का फल देती हूँ, आप चलो मेरे साथ। साधु ने कहा, जीवन में पहला यज्ञ कर रहे हो और कहते हो 100 यज्ञ का फल, तू कहां से मुझे देगी। तब द्रौपदी ने कहा, महाराज लगता है आप शास्त्र पढ़ते नहीं हैं। याद करो शास्त्र के वचन को,
संत मिलन को चालिए तजी मान अभिमान, एक एक पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। हमारे वहां अनेकों साधु संत आए हैं, संतों का समाज एकत्रित हुआ है, सत्संग हो चुका है, और आप वहां पर चलिए, शास्त्र में लिखा है कि संतों का मिलन करने के लिए सत्संग में जाते हुए यदि एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो एक एक कदम पर करोड़ों यज्ञ का फल प्राप्त होता है। महाराज 100 यज्ञ का फल आप रख लेना, बाकी का मुझे दे देना, आप मेरे साथ चलो। साधु तुरंत खड़ा हुआ, चलने लगा, भोजन किया, घंटी बज गई, लेकिन हमारे दिमाग की घंटी नहीं बजी है। अब इस सिद्धांत के अनुसार तो सत्संग में जो जितना दूर से आता है उसको ज्यादा फल मिलता है, पर हम तो गर्व से कहते हैं सबसे ज्यादा फल मुझे मिलता है क्योंकि मुंबई से आ रहा हूं, 350 किलोमीटर इंटू 1 करोड़ है। तो कल से ये बहाना मत कीजिए कि दूर है, आगूस है सत्संग। तो भगवान जैसे नंद बाबा के घर पर प्रकट हुए, हमारे घर पर भी प्रकट हो सकते हैं। नंद बाबा के घर पर भगवान प्रकट हुए, क्या किया? नंदत्वात्मज उत्पन्ने जाता लाल महामना, आहुय विप्रान वेद ज्ञान स्नात शुचिर अलंकृत, नंदतुआ उत्पन्ने जाता लादो महामना, आहो विप्रा वेता ज्ञान स्नात सूचि। नंद बाबा के वहां बहुत सुंदर पुत्र का जन्म हुआ और नंद बाबा प्रसन्न हो गए क्योंकि बहुत लंबी उम्र के बाद उनके घर पर एक लाला का जन्म हुआ। तुरंत सबसे पहले नंद बाबा ने स्नान किया, अपने ब्रज के समस्त ब्राह्मणों को बुलाया, आहुयो विप्रान, विप्र माने ब्राह्मण, कैसे ब्राह्मण को, ये तंबाकू खेनी खाने वाले ब्राह्मणों को नहीं, आहुय विप्रान वेदज्ञ, वेद में पारंगत, वेद को जानने वाले मानने वाले शुद्ध ब्राह्मणों को नंद बाबा ने बुलाया। ब्राह्मण गण आए, स्वस्ति वाचन कराया और उस समय नंद बाबा ने 60,000 गाय का दान किया। घर पर पुत्र का जन्म हुआ है। हमारे घर पर जब पुत्र का जन्म होता है तो होटल में जाकर मात्र केक ही नहीं काटना चाहिए, नंद बाबा की तरह ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराया, स्वस्ति वाचन कराया, गायों का दान किया, तिल का पर्वत, तिल पर्वत माने 6 फुट तक तिल डाला गया और ऐसे अनेकों पर्वतों का दान किया। और नंद बाबा के घर पर बहुत दिनों के बाद पुत्र का जन्म हुआ है, यह बात ब्रजवासियों को पता चलते ही समस्त ब्रजवासी बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र अलंकार आभूषण धारण करके अपने अपने हाथों में उपहार लेकर नंद बाबा के घर पर आने लगे। नंद बाबा ने सबका स्वागत किया, आज नंद बाबा के घर पर एक उत्सव मच गया, सबको भोजन कराया और भोजन करने के बाद भगवान का पुत्र का जन्म हुआ है, सारे ब्रजवासी गण खेलने लगे। किससे खेलने लगे? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, नंद तुआत्मज उत्पन्ने जाता लाल महामना, आहुय विप्रान वेदज्ञ स्नात शुचिर अलंकृत, आहुर विप्रान वेदज्ञ स्नात शुचिर अलंकृत। नंद बाबा प्रसन्न हो गए। सुखदेव जी कहते हैं महामना,
नंद बाबा का मन महान हो गया, विशाल मन हो गया। भक्तों, जीवन में भले गरीबी है, धन की कमी है, लेकिन जिसका मन बड़ा होता है ना, भगवान उनके घर पर प्रकट होता है। महामना नंद तु आत्मज उत्पन्न जाता लाद महामना, महान मन वाले हो गए, हृदय में आनंद छा गया, साक्षात भगवान का जन्म हुआ है। अनेकों ब्रजवासी गण आए और उन ब्रजवासियों के साथ आनंद करने लगे। अनेकों मात्रा में माखन पड़ा था, दूध दही पड़ा था, माखन उठा उठा कर माखन के लोंदे हाथ में ले लेकर एक दूसरे के ऊपर फेंकने लगे, दूध उठा उठा कर फेंकने लगे, दही उठाकर फेंकने लगे, एक दूसरे को दूध के बने हुए पात्र में डुबाते थे तो एक दूसरे के ऊपर माखन फेंकते थे। किसी ने कहा, धन्य है नंद बाबा के दूध दही और माखन से खेल रहे हैं। आज वर्तमान में दूध दही और माखन की बात तो दूर रही, देवराज इंद्र को भी छाछ दुर्लभ हो गई है। अद्भुत दूध माखन था और एक दूसरे के ऊपर माखन उछालते हुए माखन का कीचड़ बन गया और इतने खुशी में पागल हो गए कि ब्रजवासी गण एक दूसरे को उस माखन में घसीटते थे, खींचते थे और सबके मुख में एक ही ध्वनि, नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया ला, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की हो, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी दिना घोड़ा दिया और दिया पाल की, नंद आनंद भयो जय कन्हैया लाल 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 की। तो इस प्रकार और यह बात तो सब जगह पर फैल चुकी थी, आकाशवाणी के द्वारा वसुदेव जी की आठवीं संतान कंस के मृत्यु का कारण थी और वसुदेव के वहां पुत्र का नहीं कन्या का जन्म हुआ, इसलिए कंस कुछ ना कुछ तो अत्याचार अवश्य करेगा। नंद बाबा ने सोचा कि इस मथुरा मंडल का राजा कंस है और कंस के अनुचर गोकुल में कर वसूल करने के लिए आए, उनके पहले ही हमको वहां जाकर कर टैक्स दे देना चाहिए, क्योंकि यदि कंस के अनुचर आ गए तो पता चलेगा यहां बालक का जन्म हुआ है और कंस तो पापमती हैं, दुर्मति हैं, दुर्बुद्धि हैं, तो इस बालक के ऊपर प्रहार करेगा। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, गोपान गोकुल रक्षायां निरूप्य मथुरां गत नंद कंसस्य वार्षिक्यं करं दातुं कुरुद्वह। गोपान गोकुल रक्षायां निरूप्यं मथुरां गत, गोपों की रक्षा करने के लिए, गोकुल की रक्षा करने के लिए नंद बाबा मथुराम गतः, मथुरा गए। देखिए, सुखदेव गोस्वामी भी मथुरा जाना नहीं चाहते हैं, नहीं तो ऐसा कहते मथुरा में आए। सुखदेव जी अपने आप को गोकुल में बिठा कर रखे हैं और कहते हैं नंद बाबा मथुरा चले गए, गतः।
सुखदेव जी भी गोकुल में रहना पसंद कर रहे हैं क्योंकि कृष्ण का जन्म हो चुका है। भक्तों, सुखदेव जी ने कहा जिस दिन से गोकुल में कृष्ण का जन्म हुआ ना, उस दिन से ये अनंत लक्ष्मी जो है गोकुल में अपने समस्त ऐश्वर्यों को लेकर प्रकट हो गई है। उस दिन गोकुल का चित्र ही बदल गया। अब वह गोकुल गोकुल नहीं, एक आनंद का गांव बन गया। तो उस गोकुल की रक्षा करने के लिए नंद बाबा मथुराम गतः। क्यों मथुरा गए? नंद कंस वार्षिक्यम, वार्षिक एन्युअल टैक्स देना होता था, वार्षिक कर। तो अपने गांव के अनेकों गोपों को बैलगाड़ी में दूध दही माखन के मटके भरकर नंद बाबा गोकुल से मथुरा गए। सीधे कंस के दरबार में वो सारा दूध दही माखन कंस को दे दिया। और नंद बाबा के मन में इच्छा हुई कि वसुदेव को मिलकर जाऊंगा मैं। और वहां वसुदेव जी ने सोचा कि नंद बाबा गोकुल से मथुरा आए हैं तो मुझे मिले बिना जाएंगे नहीं। मित्र थे नंद और वसुदेव, और कंस के अनुचर मेरे आजू बाजू में घूम रहे हैं। कंस ने अपनी सेना को तैनात करके रखा है कि वसुदेव से कौन कौन मिलने आ रहा है, जरा ये नोट करो, क्योंकि वसुदेव को जो मिलने आ रहा होगा उसी के घर पर ये आठवां बालक होगा। तो वसुदेव जी ने सोचा कि यदि नहीं के लिए आएंगे तो कंस के अनुचरों को पता चल जाएगा, तो नंद बाबा मेरे घर पर आए उनके पहले मैं ही नंद बाबा के पास चला जाऊं। कहते हैं वसुदेव जी नंद बाबा को मिलने के लिए गए और अकेले गए, अपनी पत्नी देवकी को साथ में लेकर नहीं गए। गुरु महाराज कहते हैं वसुदेव जी ने सोचा कि ये स्त्रियों के पेट में कोई बात टिकती नहीं है। यदि द्रौपदी ने कह दिया कि देखो नंद बाबा आपके घर पर जो लड़का है ना वो आपका नहीं वो हमारा है, तो अनर्थ हो जाए। जानते हो ना, जब पितरों का तर्पण करने के लिए गए, सबका तर्पण किया, तब कुंती ने युधिष्ठिर को बुलाया, बेटा तुम कर्ण के लिए भी जल तर्पण करो। युधिष्ठिर महाराज ने कहा कर्ण के लिए क्यों, क्या लगता है कर्ण हमारा? तब कुंती ने अपना भेद खोला, बेटा कर्ण तुम्हारा बड़ा भाई था। युधिष्ठिर महाराज के शोक का पारावार नहीं रहा, बोले मां यदि पहले बताया होता तो मैं कभी युद्ध ना करता, मैंने मेरे भाई को ही मार डाला। मां इतनी बड़ी बात तेरे पेट में आज तक कैसे टिकी? आज से मैं श्राप देता हूं कि किसी भी स्त्री के पेट में बात नहीं टिकेगी। और उस दिन से लेकर आज तक अली एक बात को कोई ने कहती नहीं हो, किसी को मत कहना, सीक्रेट बात है, नहीं कहना कहते हुए सैकड़ों को कह देती है। ये स्त्रियों का कोई फॉल्ट नहीं है, मैन्युफैक्चर फॉल्ट है, इसलिए दोष देना उचित नहीं है। तो वसुदेव जी ने कोई दोष नहीं दिया, बोले साथ में आएगी तो भेद खुल जाएगा। वसुदेव जी अकेले गए नंद बाबा को मिलने के लिए। नंद बाबा जैसे ही सीढ़ी उतर रहे थे वसुदेव जी साइड में लेकर गए और दोनों के बीच में बहुत सुंदर मिलन हुआ, अनेक श्लोकों में वर्णन है। वसुदेव जी ने नंद बाबा को डायरेक्ट नहीं पूछा, इनडायरेक्टली पूछा कि हे नंद बाबा बताओ आपके ब्रज में सब कुछ ठीक तो है ना, आपकी 9 लाख गाय ठीक से घास तो खा रही है ना, ये सारी गैया ठीक से दूध तो देती है ना, क्योंकि गाय को यदि घास मिलेगा दूध देगी तो मेरा बेटा भी दूध पीता होगा। तो बहुत सुंदर संवाद हुआ। नंद बाबा ने बात बात में कह दिया कि मेरी इच्छा हो रही कि आज की रात मैं यहीं पर रुक जाऊं, कल सुबह मथुरा चला जाऊंगा। तब वसुदेव जी ने कहा नंद बाबा आप ऐसा मत करो, आप आज अभी इसी वक्त गोकुल जाने के लिए निकल पड़ो, क्योंकि हो ना हो मेरे मन में आशंका हो रही है कि गोकुल में कुछ उत्पात हो रहे हैं। मेरे मन में मेरा हृदय कांप रहा है, कप कपी हो रही है कि गोकुल में कुछ गड़बड़ हो रही है, कुछ आशंका मुझे लग रही है। आप अभी इसी समय मथुरा को छोड़कर गोकुल जाओ। इतना सुनते ही नंद बाबा ने बैलगाड़ी के साथ बैल को जोड़ दिया, सबको आदेश दिया और मथुरा से गोकुल जाने के लिए निकल पड़े।
सुखदेव गोस्वामी भागवत के दसम स्कंध के छठे अध्याय के प्रारंभ में इस प्रसंग को यहाँ से शुरू करते हैं। नंदपति वच शुरे नामृषेति विचिन्तयन् हरिं जगाम शरणम् उत्पातागम शंकित उत्पातागम शंकित। नंद बाबा मथुरा से निकल पड़े हैं, उस बैलगाड़ी में बैठे हैं, अंधेरी रात है, थोड़ी देर नींद आती है, अचानक नींद खुल जाती है। नंद बाबा के मन में अनेकों प्रकार की भावनाएं उठ रही हैं, अनेकों प्रकार की चिंता हो रही है कि गोकुल में क्या हो रहा होगा। वसुदेव वचन न मृषेति, वसुदेव के वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकते, क्योंकि देवताओं की आकाशवाणी हुई थी ये बालक कभी झूठ नहीं बोलेगा। इसलिए वसुदेव जी ने कहा कि उत्पात हो रहा है तो उत्पात तो हो रहा होगा। नंद बाबा के मन में आशंका हुई। जीव गोस्वामी कहते हैं कि मात्र आशंका हुई है, यदि कन्फर्म हो गया होता ना तो नंद बाबा के प्राण कब के छूट गए होते। ये तो आशंका है इसलिए प्राण टिके हुए हैं कि कुछ हुआ होगा या नहीं हुआ होगा। तो नंद बाबा के मन में बड़ी चिंता हुई। ये चिंता नंद बाबा को नहीं, संसार के सभी जीव को है, सभी जीवों के मन में चिंता है। संसार दावा नले दिया निशी हिया जले, ये संसार रूपी दावा नल में ये चिंता सबको जला रही है। चिंता और चिता में मात्र अनुस्वार का भेद है, लेकिन चिता मरे हुए लाश को जलाती है और चिंता जीते जी आदमी को जलाती है, रात दिन जलाती है, तड़पा तड़पा कर मारती है। वर्तमान में जितने भी रोग हुए होते हैं ना, हो रहे हैं ना, ये सब चिंता के रोग हैं। ये डायबिटीज हो जाना, हार्ट अटैक आ जाना, ब्लड प्रेशर हाई लो हो जाना, ये सब चिंता के रोग हैं। तो दिन भर दिन संसार के मनुष्य की चिंता बढ़ रही है, वहां नंद बाबा की चिंता भी बढ़ रही थी, यहां हमारी चिंता भी दिन भर दिन बढ़ रही है। लेकिन जब नंद बाबा के जीवन में चिंता हुई तब नंद बाबा ने क्या किया, वह चीज हमें भी करना चाहिए। शास्त्र तो इसी के लिए है ना कि इन सब भक्तों का आचरण करना चाहिए हमें। तो नंद बाबा के मन में जब चिंता हुई तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, हरिम जगाम शरणम उत्पातागम शंकित। नंद बाबा ने और कुछ नहीं किया, हरि की शरण ग्रहण कर लिए, अर्थात मन ही मन भगवान विष्णु को स्मरण किए, भगवान विष्णु को प्रार्थना किए कि हे प्रभु, हे हरे, मम गृहे कचित उत्पातो न भवेद, और यदि भवेत तरही त्वम एवं अस्माकम रक्षकम इति ही। हरी, मेरे घर पर कोई उत्पात मत होने देना, और यदि उत्पात हो रहा हो तो आप उसकी रक्षा कर लेना। संसार के मनुष्य के पास भगवान को प्रार्थना के अलावा देने के लिए कुछ नहीं है। भगवान को यदि देना है तो प्रार्थना देनी चाहिए कि आप हमारी रक्षा कीजिए। भगवान को प्रार्थना किए और दूसरी ओर गोकुल में चलिए। क्या हुआ था गोकुल में? वसुदेव जी के वचन मिथ्या नहीं थे भक्तों, गोकुल में उत्पात हो रहा था। क्या था उत्पात? कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुम चचार निगनंती पूर ग्राम ब्रजादिशु। नंद बाबा के गोकुल में पूतना नाम की राक्षसी आ चुकी थी। किसने भेजा था? कंसेन प्रहिता, कंस के द्वारा भेजी गई थी। कब भेजा था? जब आपने सुना 15-20 मिनट पहले कि जब कंस के हाथ से वह कन्या उड़ गई, तब कंस अपने मंत्री मंडल को बुलाया, मीटिंग किया,
कंस ने अपनी चिंता व्यक्त की, मंत्रियों ने कहा महाराज आप डरिए मत, आप बहुत बड़े पराक्रमी हैं और हमारे पास प्लान है कि आपके काल का जन्म अभी अभी 5-10-15 दिन पहले हुआ होगा। महाराज आजू बाजू में जितने भी गांव हैं इस ब्रज 84 कोस में, वहां पर हम हमारे अनुचरों को भेजते हैं, 15-20 दिन में जितने भी बालकों का जन्म हुआ है उन सबको मरवा देते हैं, उन्हीं में कोई एक आपका काल होगा और वह भी मर जाएगा। कंस को अपने मंत्री की बात बहुत अच्छी लगी। कंस ने अपने अनुचरों को जब आदेश दिया, उसी समय ये पूतना राक्षसी आई और कहा महाराज आपके अनुचर यदि इन गांव में जाएंगे सबको पता चल जाएगा और अपने अपने बच्चों को लेकर शहरों में भाग जाएंगे, इसलिए आप अपने अनुचरों को मत भेजिए, मैं वेश बदलना जानती हूं और मेरा तो स्वभाव है बालकों को मारना खाना है? तो मैं वेश बदल कर जाऊंगी और उस पूरे ग्राम उस गोकुल इत्यादि में जाकर बालकों को मार डालूंगी। कंस ने आदेश दिया पूतना तुम जाओ और सारे बालकों को मार डालो। तो कंसेन प्रहिता, कंस ने भेजा था किसको? पूतना। पूतना का अर्थ पूतान अपि नयति इति पूतना, पू माने पुरुष, जो पुरुषों को भी मार डाले उसे पूतना कहते हैं। तो बालक बेचारे छोटे बालक का क्या अस्तित्व है। और दूसरा अर्थ है पवित्रान अपि नयति इति पूतना, पवित्र व्यक्ति को भी जो मार दे उसे पूतना कहते हैं। तो कंसेन प्रहिता घोरा, उसका स्वभाव कैसा था? घोर स्वभाव वाली थी, हृदय में दया नहीं थी। पूतना बाल घातिनी, उसका पेशा क्या था? इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, उसका बिजनेस था बाल घातिनी, बालकों को मारना और उस बालकों का खून पी जाना, बालकों के मांस को खा जाना। शिशुम चचार निगनंती, छोटे छोटे बालकों को ढूंढते ढूंढते पूर ग्राम व्रज आदिशु, पूर ग्राम और व्रज में घूमने लगी और घूमते घूमते वह पूतना गोकुल में पहुंच गई। जैसे ही पूतना गोकुल में पहुंच गई यह बात महाराज परीक्षित ने सुनी, तुरंत महाराज परीक्षित कांप गए। महाराज परीक्षित मन में सोचने लगी कि पूतना गोकुल में आ गई है तब तो वो कृष्ण को मार डालेगी, क्योंकि महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी के मुख से इस प्रकार से कथा सुन रहे थे मानो उस कथा के अंदर प्रवेश कर चुके थे। हमारी तरह नहीं, शरीर यहां पर है और मन घर पर छोड़कर आए हैं, और कुछ लोग तो बैठे बैठे सोचते हैं कि कब ये बंद करेगा, कतारगाम जाना है, वराछा जाना है, न जाने कहां कहां जाना है। परीक्षित महाराज कथा में प्रवेश हो जाते थे, पूर्ण प्रवेश था उनका, मानो वो लीला में खड़े हैं और लीला में इतने आविष्ट हो गए कि पूतना गोकुल में पहुंच गई, तब तो अनर्थ हो गया, परीक्षित कांप गए। और उस समय सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज के भाव को देखकर उनकी चिंता को दूर करने के लिए एक मिनट के लिए कथा को रोक दिया और शास्त्र का सिद्धांत कह दिया। परीक्षित चिंता करने की कोई बात नहीं है, न यत्र शरणादीनी रक्षो ज्ञानी स्वकर्मसु कुर्वन्ति सात्वताम भर्तु यातु धान्यश्च सर्वदा। इस संसार में ये आसुरी शक्ति का प्रभाव, ये भूत प्रेत और माया का प्रभाव उन्हीं लोगों के ऊपर होता है जो भगवान कृष्ण की कथा नहीं सुनते हैं और भगवान का नाम नहीं लेते हैं। अर्थात जो लोग भगवान का नाम लेते हैं कृष्ण कथा सुनते हैं, ये भूत प्रेत ये माया ये आत्मा ये सब उनके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है। तो बताओ जिस भगवान का नाम लेने से कथा सुनने से आसुरी शक्ति का प्रभाव नहीं हो सकता, तो साक्षात भगवान जहां पर है तो ये पूतना उनका क्या बिगाड़ सकती है। चिंता मत करो परीक्षित, आप कथा सुनो। कथा को आगे बढ़ाते हैं, सा खेचरी कदोपेत्य पूतना नंद गोकुलम योषित्वा माययात्मानम प्राविशत कामचारिणी। स खेचरी, वह पूतना का गुण
उपलक्षण बताते हुए कहते हैं कि वह खेचरी, ख माने आकाश, चर माने विचरण करना, पूतना आकाश में उड़कर आई। श्री प्रभुपाद जी श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं कि बड़े बड़े राक्षस और असुर भी आकाश में उड़ सकते हैं, पानी पर चल सकते हैं, यह कोई बड़ी बात नहीं है। इस दुनिया में कुछ लोग थोड़े से चमत्कार दिखा देते हैं, लोग उसे भगवान मानने लगते हैं, लेकिन ये चमत्कार तो राक्षस भी करते हैं, और सत्य कहूं तो राक्षस ही करते हैं, क्योंकि जो भक्त और भगवान है वो अपने प्रभाव को छिपाते हैं, स्वभाव को दिखाते हैं, लेकिन ये राक्षस, ये असुर अपने स्वभाव को छिपाते हैं और प्रभाव को दिखाते हैं, लोगों को अपने वश में करने के लिए, लोगों के धन को लूटने के लिए। इसलिए ऐसे पाखंडियों के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। पूतना आकाश के मार्ग से उड़कर आई गोकुल में, गोकुल में लैंड किया, और देवी, देवी नहीं, राक्षसी, राक्षसी पूतना एक बहुत सुंदर गोपी का रूप धारण कर ली। अब पूतना ने कैसा रूप धारण किया, महाराज परीक्षित ने पूछा, सुखदेव जी ने तीन श्लोक में बताया। अब वो श्लोक बताऊंगा, उसकी व्याख्या करूंगा, बहुत समय निकलेगा। संक्षिप्त में यदि कहूं कि पूतना कैसा रूप लेकर आई थी, तो समझो आज कोई ब्यूटी पार्लर में 3 घंटा मेकअप करके जब बाहर निकलती और जैसी लगती है वैसे ही पूतना लग रही थी। अब थोड़ा इंट्रोडक्शन देता हूं। ताम केश बंद व्यक्ति चक्त मल्लिका, कैसी थी पूतना? तो कहते हैं पूतना कि नाखून जो थे ना बहुत लंबे लंबे थे, नाखून अपनी बढ़ाई हुई थी। आज भी कुछ स्त्रियां अपने नाखून को बढ़ाती हैं, गुरु महाराज कहते न जाने किस हिरणाकश्यप को फाड़ने के लिए बढ़ाती हैं। तो किसी ने कहा महाराज लगता है अपने पति को फाड़ने के लिए बढ़ाती होंगी। बाल कैसे थे पूतना के? लाल रंग के बाल थे, क्या कहते, हाईलाइट, वो हाईलाइट कराया था। तो कौन से पार्लर में गई होगी, भाविन पार्लर में या कौन से में, पता नहीं। भाविन रो कहेंगे मेरी ग्राहकी तोड़ रहे हैं प्रभु। बाल में रंग किया था और बाल खुला हुआ था, बिल्कुल चुड़ैल जैसी लग रही थी, भयंकर चुड़ैल जैसी लग रही थी। महात्मा गण कहते हैं ना कि एक बार एक आदमी ने बहुत दारू पी लिया, चला गया शमशान में, रास्ते में कोई मिल गए, शराब पी चढ़ चुकी थी और बहुत अभिमान कर रहा था, मैं इतना बलवान हूं, शक्तिशाली हूं। किसी ने कहा यदि बलवान है तो शमशान में जाकर एक रात बिता। वो आदमी चला गया शमशान में और रात को बहुत बड़ी चुड़ैल प्रकट हो गई, बिखरे हुए बाल, लंबे लंबे नाखून, दांत बाहर, चिल्लाते हुए आई चुड़ैल, उसको डरा रही है वो शराबी को, और बहुत डरा है, लेकिन ये तो सीधा सीधा बैठा था। चुड़ैल थक गई और थक कर कहा तुझे डर नहीं लग रहा है? बोले थोड़ा भी नहीं लग रहा है। बोले आखिर तुझे डर क्यों नहीं लग रहा है? बोले तेरे से भयंकर तो मेरे घर पे है, रोज ब्यूटी पार्लर में जाती है, तू तो मुझे बहुत अच्छी लग रही है, चल मेरे शादी करें तो शादी करते हैं। पूतना बाल घाती नहीं आई थी गोकुल में, अपना रूप बदल कर आई थी, ये पूतना का रूप था। बिखरे हुए बाल थे, लंबे लंबे नाखून थे, दांत बाहर थे, परंतु गोपी का रूप धारण कर लिया पूतना ने। बाल को बांध दिया, गले में कंठी पहन ली, बाल में तिलक कर लिया और गोपी ड्रेस पहन लिया, और बिल्कुल हूबहू गोपी बनकर ही पूतना गोकुल में आई। और एक हाथ में कमल का फूल था, एक हाथ में साड़ी का पल्लू था, और उस कमल के फूल को घुमाते घुमाते उस गोकुल में जा रही थी। गोकुल वासियों ने देखा कि साक्षात लक्ष्मी नारायण को मिलने जा रही है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने एक बहुत सुंदर सिद्धांत इस श्लोक में दिया, मैं तो ये सब कुछ संस्कृत में कह रहा हूं। बोले ये है ब्रजवासियों का भाव है? जो शुद्ध भक्त होते हैं ना, जिस व्यक्ति के अंदर दोष नहीं होता है ना, उसे किसी में दोष नहीं दिखाई देता है। यदि हृदय शुद्ध है तो पूरी दुनिया शुद्ध लगती है,
और हृदय में ही दोष है तो पूरी दुनिया में दोष दिखाई देता है। आज ये राक्षसी थी पूतना, लेकिन ब्रजवासियों को क्या लगा कि ये लक्ष्मी है, क्योंकि ये ब्रजवासियों का भाव है। जो शुद्ध भक्त होता है वह सबको महान समझता है, और जिसके दिमाग में कचरा ही भरा हुआ है तो दूसरों में दोष देखता रहता है, इसमें ये दोष है। दोष किस में नहीं है, हमें किसी भी व्यक्ति के गुण को देखने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन जब भी कोई आदमी सामने आता है तो दोष पहले दिखाई देते हैं, और उस दोष को सुनने में बोलने में इतना आनंद लेते हैं, इतना आनंद लेते हैं। मैं अक्सर कहता हूँ कि कल सुबह उठकर यदि कोई चर्चा करे कि आप लोग कथा में आओ, लाल गोविंद प्रभु कितनी अच्छी कथा करें, वो तो करते ही है ना। अरे नहीं, बाल लीला का टॉपिक क्या, अरे वो तो सुना है। अरे बहुत अच्छी कथा गाते हैं करते हैं, सुना है। लेकिन यदि ऐसी बात छिड़े, जानती हो लाल गोविंद प्रभु पानीपुरी की लारी पर खड़े खड़े पानीपुरी खा रहे थे। अच्छा है? और क्या कर रहे थे, और क्या कर रहे थे बताओ, कान दस बन जाएंगे है? किसी का गुण सुनने के लिए कान बंद हो जाएंगे, और किसी के दोष सुनने के लिए कान दस गुना ज्यादा बढ़ जाएंगे। और क्या कर रहे थे है? ये जीव का बिगड़ा हुआ स्वभाव है, दूसरों में मात्र दोष देखना। लेकिन ब्रजवासी शुद्ध भक्त हैं, और शुद्ध भक्त का भाव है कभी भी किसी में दोष नहीं देखते। पूतना को लक्ष्मी समझे, और पूतना सीधे नंद बाबा यशोदा के घर पर चली गई, और वहां पर यशोदा और रोहिणी कृष्ण को पालने में जुला रही थी। पूतना ने प्रवेश किया, यशोदा रोहिणी ने पूतना को देखा, बहुत सुंदर इसका रूप था। पूतना ने कहा मैं आपके बच्चे को खिला सकती हूँ। यशोदा रोहिणी तो अपने आप को धन्य समझे कि हम तो धन्य हो गई, इतनी सुंदर स्त्री हमारे बच्चे को खिलाएगी। यशोदा रोहिणी अपना गृह काम करने के लिए रसोई घर में चली गई, और पूतना धीरे धीरे कृष्ण के पास आने लगी। कृष्ण ने देखा कि अरे ये राक्षसी पूतना आ रही है। पूतना को देखकर कृष्ण ने ताम उन मिलित नेत्रम, कृष्ण ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। कृष्ण ने अपने नेत्र बंद कर लिए। कृष्ण ने नेत्र बंद किए, इसके 24 कारण आचार्यों ने दिए हैं, और आज मेरा पूरा मूड था कि ये सारे कारण बताऊंगा, लेकिन मात्र 15 मिनट हमारे पास हैं, इसलिए केवल 2-3 कारण बताकर आगे बढ़ते हैं। कृष्ण ने पूतना को देखकर अपनी आंखें बंद कर ली, इसका कारण एक यह था भक्तों, कृष्ण ने सोचा कि दुष्टों का विनाश करने के लिए धरती पर आया हूं, लेकिन स्त्री से ओपनिंग करना ठीक नहीं है। आ रही है तो मारना तो पड़ेगा, लेकिन स्त्री से ओपनिंग, अब त्रेता युग में गया तो वहां पर भी ताड़का को पहले मारना पड़ा, अब हर बार स्त्री को मारना ठीक नहीं है। इसलिए कृष्ण ने सोचा आंखें बंद कर लूंगा तो ये वापस चली जाएगी। यह सोचकर कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन पूतना वापस नहीं गई। कृष्ण ने क्यों आंख बंद की, इसका दूसरा कारण बताते हुए कहते हैं, कृष्ण ने देख लिया कि पूतना अपने स्तन पर कालकूट विष लगाकर आई है, मुझे पिलाने के लिए, मुझे मारने के लिए। भगवान ने सोचा कि ये मेरा काम तो दूध दही और माखन खाने का है, ये विष पीने का काम तो शिव जी का है। आंखें बंद करके कृष्ण शिव जी का ध्यान करने लगे, भोलेनाथ आपके लायक भोजन आया है और आपके सिवा कोई खा नहीं सकता है, कृपया करके आप पधारिए और इसको खाइए। और वास्तव में उस विष को शिव जी ने ही धारण किया, ऐसा सुखदेव जी ने कहा। रुषा एव, रुषा माने शिव। तो किसी आचार्य ने कहा कृष्ण ने अपनी आंखें बंद क्यों कर ली पूतना को देखकर। कृष्ण ने सोचा कि ये पूतना मुझे बाहर का भोजन खिलाने के लिए आ रही है, और माता अपने छोटे छोटे बालकों को कहती है कि देखो बेटा बाहर का मत खाना, रोग हो जाएगा। तो ये पूतना मुझे बाहर का विष खिलाने के लिए आ रही है तो रोग तो होगा, निश्चित आगे चलकर रोग होगा। और रोग कितना भी बड़ा हो, यदि दवाई से ठीक नहीं होता है तो रामदेव बाबा के योग से ठीक हो ही जाता है। कृष्ण ने सोचा कि आगे चलकर रोग हो उससे अच्छा है अभी से थोड़ा सा योग कर लो। तो कपालभाति भस्ती का अनुलोम विलोम करने के लिए शिवजी भगवान कृष्ण ने पहले अपनी आंखें बंद कर ली और थोड़ा सा योगा करने लगे। ऐसा आचार्यों ने बहुत सुंदर सुंदर भाव दिया है। जो भी हो, पूतना जो थी कृष्ण के पास आई, और कृष्ण के पास आकर
उतना कृष्ण को वैसे ही समझ नहीं पाई जैसे गांव में किसी चूल्हे में भोजन पकाते हुए उस भोजन पक जाने के बाद किसी अंगारे के ऊपर राख जम जाती है, लगता है अंगारा शांत हो गया, लेकिन जब हाथ में उठाते तो पता चलता है तो गरम गरम अंगारा है। राख से ढके हुए अंगारे के समान पूतना कृष्ण को समझ नहीं पाई। पूतना को लगा कि ये छोटा सा बालक है, लेकिन ये बालक नहीं, ये पूतना के काल का भी काल है, ये साक्षात विकराल है। पूतना धीरे धीरे आगे आई और उस पालने के पास पहुंच गई और पूतना ने कृष्ण को अपने हाथ में उठाया। जाना नहीं चाहते थे लेकिन जबरदस्ती पूतना ने कृष्ण को उठा लिया, जैसे कोई अंगारे को उठा लेता है वैसे पूतना ने कृष्ण को उठा लिया। सुखदेव जी कहते हैं जैसे सांप को रस्सी समझकर कोई हाथ में उठा लेता है, वैसे अपने काल को साधारण बालक समझकर पूतना ने कृष्ण को अपने हाथ में उठाया। और कृष्ण को अपने हाथ में उठाकर पूतना अपने स्तन का दूध पिलाने लगी। अब भगवान ने सोचा कि मैंने तो गीता में कहा है पत्रम पुष्पम फलम तोयम, मैंने तो मात्र पानी मांगा था, फल मांगा था, पत्ता मांगा था, ये तो बिचारी दूध पिलाने के लिए आई है, चलो आई है तो इसकी भी इच्छा पूर्ण करते हैं। उस समय भगवान कृष्ण पूतना का दूध पीने लगे, पूतना का दूध पीने लगे, लेकिन दूध के साथ साथ कृष्ण पूतना का प्राण भी पीने लगे। श्रीपाद वल्लभाचार्य ने कहा सुबोधिनी में कि भगवान श्री कृष्ण ने पूतना के स्तन का प्राण क्या पिया, पूतना अनेकों बालकों के प्राण को पी चुकी थी, मार चुकी थी, और ये सारे बालकों के प्राण पूतना के अंदर थे। भगवान ने उस स्तन के माध्यम से पूतना के अंदर जितने बालकों के प्राण थे वो सारे प्राण भगवान ने अपने अंदर ले लिए और सभी बालकों को साहित्य मुक्ति दे दी। तो इस प्रकार धीरे धीरे पूतना कृष्ण को अपने स्तन का पान कराने लगी। कृष्ण ने अपने दोनों हाथ से पूतना के स्तन को पकड़ा और पूतना का दूध पीने के बाद अब कृष्ण पूतना का प्राण पीने लगे। और जैसे ही प्राण पीने लगे पूतना चिल्लाने लगी सामुंच मुंच मुंच इति प्रभाषिणी निष्पीड़ माना खिले जीव मरमणी, अरे कृष्ण मुझे छोड़ मुझे छोड़, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। लेकिन ध्यान रखिए भक्तों, हमारे भगवान कृष्ण एक तो आसानी से किसी के हाथ में आते नहीं है, रुला मारते हैं, बहुत मेहनत कराते हैं, रोज सुबह मंगला आरती, सोला माला, एकादशी, निर्जला, बहुत प्रयास कराते हैं। ये कृष्ण एक तो आसानी से किसी के हाथ में आते नहीं है और यदि किसी के हाथ में आ गए तो फिर छोड़ने का नाम नहीं लेते। पूतना चिल्ला रही है अरे छोड़ छोड़ छोड़, और भगवान श्री कृष्ण पूतना के स्तन से पूतना का प्राण पी रहे। कर सर पर सधर अमर कर अनुसर कर पर कर धर मेल कर हर हर सुर यवर यपर यतियन कर नटवर मन हर भैरवा अरे मन हर मटक लटक तट निकट मुकट शिर सवरण में गण रण पट फरण हरण पद कुंगर रंग भर सुंदर श्याम रमे रजि रंग भर सुंदर श्याम रमे रजि रंग भर सुंदर श्याम। भगवान श्री कृष्ण पूतना का दूध पिए, पूतना का प्राण पीने लगे। पूतना ने सोचा ये कृष्ण मर जाएगा, लेकिन कृष्ण जैसे ही प्राण पीने लगे पूतना का शरीर फटने लगा, पूतना के प्रत्येक अंग में पीड़ा होने लगी। पूतना अपना यह बनावटी शरीर धारण नहीं कर पाई, धीरे धीरे वह राक्षसी का शरीर प्रकट होने लगा। वह पूतना कृष्ण को लेकर उस घर से बाहर निकल गई, कृष्ण को हाथ में लेकर पूतना दौड़ने लगी और बार बार कर रही है छोड़ छोड़ छोड़। दमक दमक दाह तोर दाव डम तत बह तत मोर मलाल गिरा तव पियु पियु शबल पुकार चादर पियु पियु को के कण गिरा तव गड़ गड़ नव हो कड़ा कर घड़ Hey.
अर्जुना बार बार कृष्ण को छोड़ाना चाहती है, छोड़ छोड़ सा मुंच मुंच, परंतु कृष्ण पुतना को छोड़ नहीं रहे हैं। कृष्ण पुतना के प्राण पीते गए, पुतना दौड़ने लगी और दौड़ते दौड़ते पुतना कंस के बगीचे में पहुंच गई। और उस समय भगवान कृष्ण ने अपना अंतिम प्रहार किया, जैसे आकाश से कोई पर्वत गिरे वैसे ही पुतना धरती के ऊपर गिर गई। कृष्णचंद्र भगवान की। जैसे ही पुतना धराशायी हुई ये पृथ्वी कांप गई, क्योंकि 7 कोस का शरीर था पुतना का। 7 कोस माने 21 किलोमीटर लंबा चौड़ा। जैसे ही वह गिरी है पृथ्वी कांप गई, ब्रह्मांड डोल गया। ब्रजवासियों को लगा कि असमय में वज्रपात तो नहीं हो गया। सारे ब्रजवासी अपने घर से निकले, यशोदा ने देखा कृष्ण घर पर नहीं, सब लोग दौड़कर आए और 21 किलोमीटर लंबे चौड़े शरीर के ऊपर, उस राक्षसी के शरीर ऊपर छोटे से भगवान, 6 दिन के बालक थे, छोटे से भगवान खेल रहे थे। और यशोदा दौड़कर आई, देखा इस राक्षसी के ऊपर कृष्ण, यह दृश्य देखकर यशोदा मूर्छित होकर गिर गई। और अन्य ब्रजवासी गए, कृष्ण को वहां से उतारे और यशोदा के गोद में रखा, यशोदा को होश आया। लेकिन अब सब लोग पूतना के वहां बैठ गए, अब इसका करे क्या, 21 किलोमीटर की चिता भी नहीं बन सकती है, इसको जलाए गाड़े क्या करे। पूरी रात भर सब लोग वहां बैठे। कल सुबह नंद बाबा, क्योंकि नंद बाबा ब्रज के राजा हैं, अब राजा के आने की राह देख रहे हैं कि अब क्या किया जाए। सब शांति तो हो गई क्योंकि कृष्ण बच गए थे। अब नंद बाबा कल सुबह आएंगे और निर्णय लेंगे कि इसका क्या करना है। तब तक आप सबके चरणों में प्रणाम, धन्यवाद। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे जय।